फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि DDA की अपकमिंग स्कीम 30 जून से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का फेज़ 4 रहेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से मेरा मतलब है कि जैसे ही DDA अपने फ्लैट्स को DDA के पोर्टल पर अपलोड करेगा, यानी कि अपनी स्कीम को जैसे ही स्टार्ट करेगा, आप किसी भी पर्टिकुलर फ्लैट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस फ्लैट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स आप बुक करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर का कोई पर्टिकुलर फ्लैट सेलेक्ट किया, तो वह फ्लैट अगले आधे घंटे के लिए आपका हो जाएगा। अगले आधे घंटे के लिए आपका होने से मेरा मतलब है कि अगले 30 मिनट तक आपको उसकी बुकिंग को कंप्लीट करना होगा। जब तक आप उस फ्लैट की बुकिंग को कंप्लीट नहीं करते अगले 30 मिनट में, तब तक कोई और पर्सन चाहे भी तो उस फ्लैट को बुक नहीं कर सकता। फ्लैट पे क्लिक करने के अगले 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उस बुकिंग को कंप्लीट करना होगा और पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद यह फ्लैट आपका हो जाएगा, यानी कि आपके नाम पे बुक हो जाएगा। फ्लैट कैसे बुक करना है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज़ 1 में आपको मैंने फ्लैट की बुकिंग करके दिखाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उस वीडियो को रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि मैंने आपको DDA फ्लैट की बुकिंग से लेकर उसके पोजीशन लेटर तक का हर स्टेप आपको अलग अलग वीडियो में समझा रखा है, आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को अपने रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 मिनट के अंदर अंदर अपने फ्लैट की बुकिंग को आपको कंप्लीट करना होगा। यदि 30 मिनट के अंदर अंदर आप अपने फ्लैट की बुकिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते, तब वो फ्लैट दूसरे के लिए क्लिकेबल हो जाएगा, यानी कोई दूसरा बंदा चाहे तो उस फ्लैट को बुक कर सकता है। तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको उस बुकिंग को कंप्लीट करना होगा। यही होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम, ठीक है फ्रेंड। जिसने सबसे पहले क्लिक कर दिया और सबसे पहले बुक कर दिया वो फ्लैट, उसके नाम से बुक हो जाएगा। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि DDA की इस स्कीम में जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वह नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी कि किसी भी स्टेज में आपकी बुकिंग जो है कैंसिल हो जाती है या आप फ्लैट को सरेंडर करते हैं, तो आपका जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वह नॉन रिफंडेबल रहेगा, और बुकिंग अमाउंट भी कोई कम नहीं रहेगा। EWS के लिए 50,000 रुपये, LIG के लिए 1,00,000 रुपये, MIG के लिए 4,00,000 रुपये और HIG के लिए 10,00,000 रुपये बुकिंग अमाउंट रहेगा। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपकी बुकिंग किसी भी स्टेज पर कैंसिल नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कैंसिल ना करें या DDA कैंसिल ना करें। DDA भी कैंसिल कर सकता है। किस केस में कर सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, कि आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े, ना ही आपको बुकिंग के स्टेज पे जो कि इनिशियल स्टेज है, और ना ही पोजेशन लेटर जब तक आपको नहीं मिल जाता, पोजेशन स्लिप नहीं मिल जाती, फिजिकल पोजेशन नहीं मिल जाता, तब तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, यदि आप जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो। क्योंकि यदि आप DDA के कस्टमर केयर से भी पूछेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी आपको कभी नहीं मिल पाएगी, आप चाहें तो आजमा के भी देख सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना, नहीं तो आपको किसी भी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये मत कहना कि आपने नहीं बताया, क्योंकि DDA के जो लोग पुराने मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से समझना और सुनना सारी टर्म्स एंड कंडीशन, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हस्बैंड और वाइफ दोनों अपने नाम से फ्लैट बुक नहीं करेंगे। ध्यान रखना, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अपने नाम से फ्लैट बुक करे। ऐसा नहीं है कि वाइफ ने एक MIG कर दिया है, हस्बैंड ने एक LIG कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक ही फ्लैट बुक कर सकता है। यदि दोनों ने फ्लैट बुक कर लिए तो एक फ्लैट जो है DDA कैंसिल कर देगा, और जो कैंसिलेशन चार्जेस है, यानी कि जो कि बुकिंग अमाउंट आपका है, वो नॉन रिफंडेबल है। किसी भी स्टेज पे यदि DDA उसको कैंसिल करता है तो आपको बुकिंग अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि ये ड्रॉ वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ दोनों ने बुक कर लिया, एक का नहीं निकला, या फिर दोनों का निकल गया तो भाई जो 10% काट के या फिर बुकिंग अमाउंट जो है अपने 2,000 रुपये वो काट के DDA बाकी पैसा वापस कर देगा, ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि हस्बैंड वाइफ दोनों बुक मत करना, ठीक है। क्योंकि DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के सेकंड या थर्ड फेज में कई लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों ने बुक कर लिया है, बुक कर लिया तो उनके पैसे डूबे, एक का तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ मत करना, दोनों मत करना, कोई एक करना। यदि आप सोच रहे हैं कि DDA को कैसे पता चलेगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, भाई साहब
एक एंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ता है जिसमें हस्बैंड का फोटो लगेगा, वाइफ का फोटो लगेगा, वाइफ का पैन कार्ड लगेगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पे भी स्पाउस का पैन कार्ड लगता है। तो इस भूल में बिल्कुल मत रहिएगा कि हाँ भाई हस्बैंड वाइफ दोनों बुक कर लेंगे तो दोनों का हो जाएगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। दूसरी चीज, पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही फ्लैट बुक करना। मान लीजिए फादर है, मदर है, दो बच्चे हैं, फादर मदर दो बच्चों में से किसी एक के नाम से ही करना। ये नहीं कि बच्चों के नाम से मैंने अलग कर दिए, मदर के नाम से अलग हो गया, अपने नाम से मैंने अलग कर दिया, ऐसा मत करना। क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ एक फ्लैट ही अलॉट होगा, बेशक आपके बच्चे 18 या 19 साल या 20 साल के क्यों ना हो। तो पूरी फैमिली में एक ही फ्लैट बुक करना। यदि आप मल्टीपल फ्लैट बुक करेंगे तो वहाँ पे आपके कैंसिलेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप किसी भी स्टेज पे डीडीए आपको पकड़ता है तो आपका फ्लैट कैंसिल कर देगा और कैंसिलेशन अमाउंट आपको निकलवाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। पहली बात तो नॉन रिफंडेबल रहेगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये रहता है कि हमारा तो फादर के नाम से फ्लैट है और मैं अपने नाम से ख़रीदना चाहता हूं। तो भाई ठीक है ना, खरीद लो, कोई दिक्कत थोड़े है, फादर के नाम से है ना। आप तो शादीशुदा हो ना, आप मैरिड होने चाहिए तभी आप अपने नाम से फ्लैट ले सकते हैं। पूरी फैमिली का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई फादर के नाम से है तो कोई नहीं ले सकता। भाई एक फादर के दो बच्चे हैं, दोनों शादीशुदा हैं, वो लोग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, फादर के नाम से फ्लैट है तब भी आप दूसरा फ्लैट ले सकते हैं बशर्ते आप मैरिड हो। फ्रेंड्स EWS को लेके काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न कई कई तरह की है कि भाई इसमें इनकम का क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल इनकम कितनी होनी चाहिए। इस YouTube चैनल ने तो बताया था कि इतनी होनी चाहिए, आप तो ये बता रहे हैं। अरे यार वो बता रहे हैं तो सुन लो ना उनकी। कई लोग बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर YouTube चैनल ने ये बताया था इनकम का क्राइटेरिया, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, उसने ये बताया था तो मैं तो अपना बताऊँगा ना। आप ध्यान से सुनना और समझना, EWS कैटेगरी में इनकम का जो कैपिंग है वो है 10 लाख रुपये, यानी कि आपकी फैमिली एनुअल इनकम 10 लाख से एक्सेस नहीं होनी चाहिए EWS कैटेगरी के फ्लैट लेने के लिए। और उसमें भी ये चीज़ ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपकी फैमिली में आप हैं, आपकी वाइफ है, आपके फादर हैं, तीनों लोग जॉब करते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी है ईयरली 6 लाख रुपए, आपकी वाइफ की है 2 लाख रुपए, 6 2 8 लाख रुपए, आपके फादर की है 1,50,000 रुपये, टोटल 9,50,000 रुपये हुए ना, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। लेकिन पहले यह क्राइटेरिया था कि एक बंदे का जो सैलरी है, जैसे 3 लोग हैं, आपके 6 लाख रुपए मैंने बताई, यदि आपकी सैलरी 3 लाख से ज़्यादा होती है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते थे DDA के फ्लैट के लिए EWS कैटेगरी में। लेकिन इस क्राइटेरिया को DDA की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में रिमूव कर दिया गया था और इसको बढ़ा के इंडिविजुअल इनकम जो था 3 लाख की जो कैपिंग थी उसको 10 लाख तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि यदि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, कमाते सिर्फ आप हैं, आपकी इनकम जो है ईयरली 9,50,000 है, तब भी आप EWS कैटेगरी में अपने फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न क्या था इसको हटाने का, कि एक तो मंगलापुरी के इन्होंने EWS कैटेगरी के फ्लैट निकाले थे जिसकी कीमत 28 लाख थी। अब एक 3 लाख से कम कमाने वाला बंदा 28 लाख का फ्लैट कैसे लेगा यार, है ना बेवकूफ़ी। दूसरी चीज, जिसकी इनकम 3 लाख रुपये है वो इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों भरेगा, भरने का मतलब नहीं है। जब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेगा तो उसको बैंक लोन क्यों देगा, ये भी एक बात आ जाती है। अब बैंक लोन नहीं देगा तो EWS के लिए लोन कैसे कराएगा, अब लोन नहीं कराएगा तो PMAY स्कीम का फ़ायदा कैसे उठाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक दूसरे से सारे रिलेटेड है। तो इसलिए मतलब इसको हटा दिया गया था कि जो इंडिविजुअल इनकम है 3 लाख की कैपिंग को रिमूव कर दिया गया था, लेकिन जो 10 लाख की कैपिंग थी उसको कंटिन्यू रखा गया था। EWS कैटेगरी का क्राइटेरिया ये है, यदि कोई बोलता है कि 3 लाख की कैपिंग है तो आपको मानना है तो मानिए, नहीं माना तो मत मानिए। जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ने ये बोला वो बोला, प्लीज़ आप मेरे इसमें कमेंट ना किया करें, दूसरे क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता। मैं जो बता रहा हूँ वो 101% ट्रू है। आप चाहे तो कहीं से भी आप पता कर लीजिए, किसी भी जगह से, किसी ऑथेंटिकेट सोर्स से पता करिएगा, YouTube चैनल से नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप कहीं से भी पता कर लीजिए, 10 लाख की लिमिट है ईयरली फैमिली इनकम की और इसमें इंडिविजुअल इनकम की लिमिट भी 10 लाख ही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि
हमें EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा या इनकम सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, फ्लैट की बुकिंग करने के लिए ना तो आपको EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप पेमेंट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे DDA के पोर्टल पे। जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली में आराम से बन जाता है। यदि कोई दिल्ली के बाहर का बंदा अप्लाई करता है EWS कैटेगरी के फ्लैट के लिए, तो वो भी अपने तहसील से, अपने कोर्ट से इजीली इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑन DDA पोर्टल। ठीक है, और दिल्ली में जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, एक बार ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे ही काफ़ी लोगों को दिक्कत आएगी, नहीं तो ध्यान से सुन लेना। जैसे कि आपने फ्लैट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, या आपने अपनी वाइफ के नाम से अप्लाई किया, वाइफ तो जॉब करती ही नहीं है तो वाइफ का इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा भाई, वाइफ हाउस वाइफ है तो उनका थोड़े बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट जो आपको बनेगा दिल्ली का, वह बनेगा हेड ऑफ द फैमिली का, यानी आपके नाम से बनेगा दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट में आप अपनी वाइफ का नेम भी ऐड कर देंगे जिसमें कि उनकी इनकम जीरो या फिर नील शो करेंगे। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, लेकिन हेड ऑफ़ द फैमिली के नेम से बनेगा। वह भी हेड ऑफ़ द फैमिली मेल होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली मेल नहीं है, फीमेल है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। वहाँ पर आपको SDM से स्पेशल परमिशन लेके आपको वो बनवाना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट, जो कि एक काफ़ी टेढ़ा काम है। तो इसलिए मैं आपको इनिशियल में बता देना चाहता हूँ कि EWS सर्टिफिकेट यानी कि EWS कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट जो है फीमेल के नाम से दिल्ली में नहीं बनेगा, नहीं बनता। जो लोग बोलते हैं बनता है, वो फिर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर मिसगाइड कर रहे हैं। बनेगा, लेकिन इसके लिए SDM की स्पेशल परमिशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप शुरू में ही समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करिएगा कि भाई आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाए। तो EWS कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आई होप आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रह गई होगी। LIG में कोई इनकम का कोई बैरियर नहीं है, कोई इसमें किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। ठीक है, LIG के लिए आपकी इनकम 50 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको LIG में आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी हो, आप DDA के फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं DDA की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में, कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दिल्ली में अपना मकान है, लेकिन 50 स्क्वायर मीटर का है, 60 स्क्वायर मीटर का है, 100 गज का है, इतने का है, उतने का है, कितने का भी हो, यदि आपका मकान 67 स्क्वायर मीटर से कम का है दिल्ली में, यदि आपके अपने नेम से है या फिर आपके फादर के नेम से है या फिर आपके मदर के नेम से है, एंड यू आर नॉट मैरिड, और आप अपने नाम से DDA का फ्लैट बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक कर सकते हैं, बशर्ते आपका मकान जो है 67 स्क्वायर मीटर से कम का होना चाहिए। 67 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगा तो आप बुक मत करना, क्योंकि किसी भी स्टेज पे आपको DDA ट्रैप कर लेगा और फिर आपका जो बुकिंग अमाउंट होगा वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे तो लगभग 2 महीने बाद आपका डिमांड लेटर आएगा, और डिमांड लेटर आने के बाद आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने का। पेमेंट के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं, अपनी जेब से पैसा दे सकते हैं, कहीं से भी दीजिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के फिर 2-2.5 महीने बाद आपका पोजेशन लेटर आता है। पोजेशन लेटर आने के बाद आपको पोजेशन स्लिप मिलेगी, पोजेशन स्लिप मिलने के बाद आपको फिजिकल पोजेशन मिलेगा। तो यह है पूरा इसका जो ओवरऑल जो प्रोसेस है फ्लैट के पोजेशन का, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी एक चीज़ और, इसमें किसी भी तरह का आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, SC ST फिजिकल हैंडीकैप, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह का, क्योंकि ये ड्रॉ वाली स्कीम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यदि आपको कोई बोलता है कि इसमें रिजर्वेशन मिलेगा तो आपको मिसगाइड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और, EWS कैटेगरी का फ्लैट यदि आप बुक करते हैं तो अगले 5 साल तक आप उसको बेच नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं EWS का बुक कर लूँगा, 14 लाख में ले लिया, 16 लाख 18 लाख में बेच दूंगा, 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे आप उस फ्लैट को, 5 साल तक नहीं बेच पाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात, इन फ्लैट्स में किसी भी तरह का आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक्सटेंड तो की गई थी, PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, एक्सटेंड तो की गई थी, बट उसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 6 महीने बीत गए, इसलिए आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। DDA यदि अपने स्कीम में बोलता है कि PMAY का लाभ मिलेगा तो वो DDA झूठ बोल रहा है, जो कि DDA ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में भी झूठ बोला था और DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में भी झूठ बोला था।
ठीक है, क्योंकि ये योजना जो थी 31 मार्च 2022 को एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद एक्सटेंशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था इसके रिगार्डिंग। इसलिए हम इसको मान के चलेंगे कि यह योजना आगे बढ़ी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी DDA कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। आई होप आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।